हैप्पी संडे फ्रेंड्स। संडे को हैप्पी बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिन को उन लोगों की शुरुआत या पूरा दिन उन लोगों के साथ बिताएं, उन लोगों के बारे में बात करें जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने। अक्सर क्या होता है, उन रिश्तों को लेके उलझ जाते हैं आपस में, उनके बारे में बात करने लगते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, जिनसे हमारी कड़ियाँ उतनी जुड़ी हुई नहीं। आपने ECG देखी होगी, ECG की रिपोर्ट, उसमें ऊपर नीचे जिंदगी की रेखा चलती रहती है। हमारे जीवन में भी, हमारे रिश्तों में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी किसी ने बहुत अच्छी बात कह दी तो उसके प्रति हमारा ग्राफ ऊपर हो जाता है, फिर कुछ हर्ट कर दिया तो नीचे। ये जीवन है, चलता रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन्हीं के बारे में सोचें, और ना ही ऐसा है कि अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है या किसी ने हमारे से अपनी कड़ी तोड़ दी तो जीवन रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या, जब हमारी शादी होती है तो दो जन की होती है, लेकिन जुड़ते हैं हजारों लोग। पत्नी के पीहर वालों से पति की कड़ी जुड़ जाती है, और पति के रिश्तेदार से, परिवार से पत्नी की। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई अगर एक से कड़ी टूट गई है या कोई एक जीवन साथी नहीं रहा तो उसके कारण सारी कड़ियां एकदम टूटी गई, बिखरी, ऐसा नहीं है। कमजोर जरूर पड़ जाती हैं क्योंकि मेन कड़ी हट गई है, लेकिन धीरे धीरे जो आपके अपने हैं वो धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। उसको लेकर टेंशन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी ने कुछ कह दिया उस बात को लेके उससे कि हमने उसे ब्लॉक ही कर दिया जिंदगी में, उसके बारे में। रिश्तों में हमेशा इतनी गुंजाइश जरूर रखती हूँ कि चाहे समान रूप से प्यार ना करूँ। एक वीडियो में कहा था कि समान रूप से प्यार करना चाहिए, वो तो अनुचित हो जाएगा। किसी एक रिश्ता जो हमें महत्व ही नहीं देता या हमें इग्नोर कर रहा है, हमसे लिंक ही तोड़ दिया, उसे भी हम उतना ही प्यार करें। जो कोई दूसरा रिश्ता हमें हर समय हमारा ध्यान रख रहा है उसे भी उतना, ये तो अनुचित होगा। प्यार आप उसे अधिक दें जो आपको देता है, मगर दूसरे के प्रति भी कटु भावना न रखें। रिश्तों की कड़ियों को अगर जुड़े रखने, एक तरफा नहीं हो सकता, जोड़े रखने का प्रयास करें। जुड़ती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी हैं तो उन पर कटुता नहीं रखें। अपना अनमोल समय उनके बारे में व्यर्थ न करें। आशा है, और एक बात कहना चाहूंगी कि जीवन रेखा जिस तरह जब रुकती है तभी रुकती है, मगर उसके लिए जीवन अगर रुक भी जाता है तो पूरी दुनिया नहीं रुकती। उसी तरह अगर हमारे रिश्तों के इन उतार चढ़ाव में अगर कोई रिश्ता, अगर हम खुद अपने आप को ये सोचें कि हमारे बिना तो अब बस सामने वाले की जिंदगी फिनिश, ऐसा नहीं होता। अनमोल हम तभी तक हैं जब तक हम सामने वाले को अनमोल समझें, रिश्तों के महत्व को समझें, जीवन के महत्व को समझें, अपनों को महत्व दें, और अपने संडे को, अपने पूरे जीवन को उन बातों के साथ, उन लोगों के साथ खुशी खुशी मनाएं जो आपको खुशियाँ देती है। किसी भी रिश्ते की कटुता को लेकर उसका इंटेंशन न खोजें, उसमें बुराई न खोजें, प्यार से। आशा है मेरी थॉट्स आपको अच्छा लगेंगे, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। और प्लीज़ नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना कठिन नहीं है, जैसा लास्ट वीडियो में भी कहा, आप फेसबुक से भी कर सकते हैं अगर आपका कोई उसमें है बनाया अकाउंट, पर नहीं भी तो यूट्यूब से या किसी भी आसपास अपने घर के बच्चे से पूछ के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंजॉय योर संडे, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।